आज हमने आलू कीमा तैयार किया है ढाबा स्टाइल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपके लिए इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स हैं, जिनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कीमे की रंगत जो है ना वो ख़राब नहीं होगी, वरना थोड़ी देर के बाद जो है ना वो कीमा काले की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसे कि आप होटल से लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मुझे वॉच टाइम मिले। मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ एंड तक देखा करें ताकि मोनेटाइज हो जाए जल्दी से मेरा चैनल, और शेयर भी किया करें वीडियो को फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और इसके अलावा आपने मुझे कमेंट्स करके भी बताना है कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, लाइक का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो आपको मिल सके। तो चलिए आइए ढाबा स्टाइल कीमा आलू तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूं अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुश खुरम होंगे। आज मैं बना रही हूं ढाबा स्टाइल कीमा आलू, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कीमे की रंगत भी ख़राब नहीं होगी और टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा ढाबा स्टाइल वाला। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक इल्तमास है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें, शेयर भी किया करें ताकि मुझे वॉच टाइम मिल सके। मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा। आप लोग तावुन करेंगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकेगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ तावुन करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, कमेंट्स भी करा करें ताकि मुझे पता चले कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। कुछ सजेशन वगैरह देनी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, और कोई फरमाइश करनी हो तो तब भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले जो मैं अपलोड करूँ। तो मैंने बीफ कीमा लिया है, ये है आधा किलो, और इसको मैंने धोकर अच्छी तरह और इसका पानी जो है वो ड्रेन कर दिया है। तो यहाँ पर कुकर में हम शामिल करेंगे और कुकर में पकाएंगे, और पहले आधा गिलास पानी शामिल करते हैं इसमें, आधा किलो कीमा है, ठीक है, और इसको कुकर में पकाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहले कीमे को प्याज ब्राउन करते हैं फिर कीमा फ्राई करते हैं, तो देखें इस तरह जो है ना वो कीमे की रंगत ख़राब हो जाती है, तो कुछ देर के बाद कीमा जो है ना वो काला काला सा लगने लग जाता है शाम होते होते, ठीक है। तो काइंडली इस तरह मत करें, असली तरीका जो है वो यही है कि हम कीमे को इस तरह पकाएंगे जिस तरह मैं बना रही हूँ, फॉलो कीजिएगा। तो आधा गिलास पानी शामिल किया है और आधा किलो है कीमा, और यहाँ पर जो चीज़ें हम शामिल करेंगे अभी साथ साथ रहिएगा, मैं साथ साथ बताती रहूँगी आपको, मैं एकदम से सब चीज़ें शामिल नहीं करूँगी, इस तरह टेस्ट अच्छा नहीं आता किसी भी चीज़ का। बिल्कुल पूरी तैयारी से, पूरे ध्यान से, तवज्जो प्यार से पकाना पड़ता है सालन को, तभी उसको जितनी आप मोहब्बत देंगे खाने को, खाना पकाने में उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। एक अदर टमाटर मैंने इसकी स्किन रिमूव करके इसको जो है ना वो इस तरह टुकड़ों में काट लिया है, एक अदर दरमियाने साइज़ की प्याज बड़े बड़े टुकड़ों में काटी है, ज़्यादा प्याज मत लें वरना मिठास की तरफ जाता है। और लहसुन की जवे हैं 10 से 12 अदर, ये तमाम चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें शामिल कर दी, और मसाले जो हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितने जाएंगे। तो मसालों में हाफ़ टी स्पून में डाल रही हूँ हल्दी, और हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ मैं चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, ठीक है, हाफ़ टी स्पून है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, और नमक भी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लें। मैं 1 टी स्पून डाल रही हूँ यहाँ पर, और इसको हम कुकर को बंद कर देते हैं, जब वेट चलेगा इसका तो इसके बाद जो है वो मैं इसको तकरीबन 10 मिनट चलाऊँगी, और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद देखें कीमा जो है वो मैंने खोला है, तो पानी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गया है, यकीनन कीमा गल चुका है। यहाँ पर मैं शामिल करती हूँ दड़ा मिर्च, ये देखें ये हाफ़ टेबल स्पून है ये दड़ा मिर्च, यहाँ पर मैं शामिल कर देती हूँ, ठीक है। साथ साथ रहिएगा, आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें डालनी है इसमें। अब हमने इसमें डालना है घी या ऑयल, घी डालें तो बेहतर है, ये एक चम्मच जो पकाने वाला होता है ये भर के मैं इस वक्त इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें हरी मिर्ची और लहसुन का एक टुकड़ा था वो मैंने चॉप कर लिया है, पेस्ट नहीं बनाना, 4-5 हरी मिर्चें हैं, और एक तकरीबन 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था जो मैंने चॉप किया है वो मैंने इसमें यहाँ पर शामिल कर दिया इस वक्त। साथ साथ रहिएगा, मैं आपको बताती रहूँगी। साथ में ये जो टमाटर और लहसुन के टुकड़े नज़र आ रहे हैं, इसको इस तरीके से मैश करते रहें, ठीक है, ये मैश हो जाएंगे, इनकी टेंशन ना लें आप, बिल्कुल घुल जाएंगे भुनाई के वक्त में ना, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने भुनाई शुरू करनी है यहाँ पर,
लेकिन अभी मैं मजीद इसमें चीज़ें शामिल करूंगी, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, भुनाई जारी है, साथ साथ 5 से 6 मिनट हम भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं शामिल करूंगी, ये मैंने भून के रखा हुआ है ज़ीरा, पीस कर पहले तवे पे भुना और फिर पीस के मैंने शीशियों में डाल के रखा हुआ बोतलों में। तो ये 1/2 टीस्पून ये मैं यहाँ पर शामिल करती हूँ, और साबुत धनिया भी मैंने तवे पर भून के और फिर उसको पीस के रखा हुआ है, ये भी मैं 1/2 टीस्पून यहाँ पर शामिल करती हूँ। और भुनाई करेंगे इसकी हम साथ साथ, ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। मैश करते रहेंगे, भूनते रहेंगे, तो कुछ देर भूनने के बाद जो है वो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, देखें घी छूटना शुरू हो चुका है, यहाँ पर हम भुनाई कर रहे हैं इसकी। और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच, जो इस तरह वाला होता है, डोंगे वाला चम्मच होता है, ये मैं दही शामिल कर दूँगी इसमें, भर के किया है ये मैं। इससे जो है ना टेक्सचर जो इस टाइम पे डालें तो बड़ा अच्छा हो जाता है इसका, क्रीमी क्रीमी सा, और बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, यकीन करें। भुनाई जा रही है, भुनाई जितनी अच्छी करेंगे सालन उतना अच्छा बनेगा आपका। इसको 1-2 मिनट मज़ीद भून लेते हैं, क्योंकि दही अभी अपना पानी छोड़ेगी। अच्छा जी, कीमा देखें भुन रहा है, और तकरीबन भुनने के करीब हो चुका है। जितना अच्छा भुनाई होगी उतना अच्छा जायका होगा, और ये सब काम जो है ना वो लो से मीडियम फ्लेम पर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर तकरीबन 1 पाव आलू मैंने छील कर उसको काट के ना इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में, जितने छोटे टुकड़े काटेंगे उतना अच्छा टेस्ट होगा। तो इसमें मैंने ना पानी में डाल के रखा हुआ ताकि इसकी रंगत ख़राब ना हो, तो ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू तमाम इसमें डाल देंगे हम, और आलूओं को भी 2 से 3 मिनट इसके साथ ही भूनेंगे कीमे के, ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। फॉलो किया कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग होगी, और कमेंट भी करके बताया करें, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें। तो 2 से 3 मिनट आलूओं को भी इसके साथ भून लेते हैं हम कीमे के साथ। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट हमने आलू भी भून लिए हैं कीमे के साथ, और भुनाई अच्छी सी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर शामिल करते हैं पानी, तो जितना आपको चाहिए ग्रेवी इसमें चाहिए जितनी, क्योंकि बिल्कुल खुश्क कीमा तो हम ये नहीं बना रहे, हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं, और उसको वो बिल्कुल भुना हुआ कीमा नहीं होता, और भुना हुआ जो कीमा होता है ना जी, उसमें आलू शामिल नहीं होते, ठीक है। तो ये हम आलू कीमा बना रहे हैं, जो कि हल्की सी ग्रेवी के साथ होता है, थोड़ा सा मतलब नरम होता है, बिल्कुल खुश्क नहीं होता। तो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उसके हिसाब से पानी लगा लें। तो मैंने इसमें तकरीबन 1/2 गिलास पानी शामिल किया है, और इसको मैं ढक के रख देती हूँ तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, क्योंकि आलू भी गल जाएंगे और हमारा कीमा भी एक अच्छी सी फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं, उठाते हैं ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, और खुशबू इतना इस तरह फैली है एकदम से कि मुँह में पानी आ गया। अच्छा जी, ये देखिए ये हो गया है हमारा कीमा रेडी, लेकिन अभी हम इसमें कुछ और शामिल करेंगे। ये है काली मिर्च पीसी हुई है ये, और ये जो है ना 1/2 चाय की चम्मच से थोड़ी सी कम है, बहुत ज़बरदस्त टच है इसका, ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेके आएगी। और ये है गरम मसाला मिक्स पिसा हुआ, ये भी 1/2 चाय का चम्मच है। तो ये मैं तमाम चीज़ें दोनों इसमें शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें शामिल करके इसको हल्का सा ऐसे मिक्स कर दें, ये देखें ऐसे मिक्स करने के बाद जो है ना इसको हम 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके रख देते हैं इसका, ताकि इसकी खुशबू जो है ना उसमें लग जाए। लो फ्लेम है बिल्कुल दम वाला। 2 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तकरीबन हो गए हैं 2 मिनट, तो डिश आउट करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यकीन करें। तो निकालते हैं कीमे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है इसका, और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि अगर आप यहाँ से खुशबू महसूस कर सकते तो आप खुद वाह वाह करते। और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, मैंने चखा है अभी। और एक और बात आपको बतानी है कि अगर आप इसमें धनिया शामिल करना चाहते हैं, हरा धनिया, तो प्लीज़ पूरे सालन में मत डालें, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद अपनी रंगत जो है ना वो तब्दील कर लेता है। तो जब आप सर्व करने लगे उस वक्त आप धनिया डालें, लेकिन उसके अलावा बात ये है कि अभी मेरे पास धनिया मौजूद नहीं है, तो मैं आपको डालकर नहीं दिखा रही हूँ। तो ये है जी हमारे आलू कीमा ढाबा स्टाइल की फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, पसंद आई तो फिर जल्दी से लाइक का बटन दबा दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है, और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा शेयर भी करें वीडियो को, और मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है, वीडियो को एंड तक देखा करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।